नमस्कार दोस्तों, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है और उनकी मैच्योरिटी पीरियड भी अलग अलग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा कौन सी चार ऐसी टॉप बेस्ट स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिनके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा मिलता है और जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने से इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको किस स्कीम के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करवाना चाहिए, तो इस वीडियो को देखकर आप ये जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन स्कीम्स के अंदर 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस की जो सबसे बेस्ट स्कीम, सबसे बेहतरीन स्कीम है, उसका नाम है टाइम डिपॉजिट। देखिए दोस्तों, टाइम डिपॉजिट स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको चार अलग अलग तरह की टाइम डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती है और ये जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है ये एक तरह की फिक्स डिपॉजिट ही है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको चार अलग अलग तरह की टाइम डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि 1 ईयर TD, 2 ईयर TD, 3 ईयर TD और 5 ईयर TD। तो यहाँ पर मैं खास तौर पर बात करूंगा 5 ईयर TD के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये जो चारों की चारों टाइम डिपॉजिट स्कीम है, उन चारों में से ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इसके अंदर आपको 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर आप इसके अंदर 1,00,000 रुपए जमा करवाएंगे तो उसका आपको हर साल 6,870 रुपीज इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। तो क्योंकि ये जो स्कीम है ये 5 साल की है, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 34,351 रुपीज। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर 1,50,000 रुपए तक की सेविंग करते हैं तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से जो आपकी ये जो 1,50,000 रुपए तक की सेविंग है, ये टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल मानी जाती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन यूजफुल स्कीम है 5 ईयर TD। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेकंड स्कीम। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जो दूसरी बेहतरीन स्कीम है उसका नाम है मंथली इनकम स्कीम, जिसे कि हम MAS के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो मंथली इनकम स्कीम है ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपने एक बार अपने MAS अकाउंट में पैसा जमा करवा देना है, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने MIS अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप 1,00,000 रुपए की MIS अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको 1,00,000 रुपए पर 6.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हर महीने 550 रुपीज आपको मिलते रहेंगे। तो क्योंकि दोस्तों, ये जो MIS स्कीम होती है ये भी 5 साल की एक तरह की फिक्स डिपॉजिट ही होती है, तो आपको जो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 33,000 रुपीज। और यहाँ पर मैं आपको MIS स्कीम की एक और खास बात बता दूं कि एक सिंगल व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ 4.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख रुपए तक की इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 9 लाख रुपए तक की इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि मंथली इनकम स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, यानी कि ये अगर आप इसके अंदर 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहती है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और बेहतरीन स्कीम, जिसका नाम है NSE। दोस्तों, NSE का पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है और इसके अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि NSE स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.80%, और अगर आप इसके अंदर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरे 5 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 38,949 रुपीज, यानी कि 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर NSE के अंदर आपको 5 साल के बाद 1,38,949 रुपीज आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और बेहतरीन सेविंग स्कीम, जिसका नाम है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन के लिए है और इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है और इसी के साथ साथ ये जो स्कीम है ये MAS के साथ थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। जैसे कि मंथली इनकम स्कीम जो है उसके अंदर आपको जो
अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट हर महीने मिलती है, लेकिन ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसके अंदर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो क्वार्टरली मिलती है। तो ये स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो स्कीम है इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 7.40% का, जो कि सबसे ज्यादा रेट इंटरेस्ट है। और दोस्तों ये जो 7.40% का इंटरेस्ट रेट है, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया सेव करते हैं तो आपको इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्वार्टरली 1,850 रुपीज आपको मिलते रहेंगे। तो क्योंकि ये जो स्कीम है ये भी 5 साल की स्कीम है, तो आपको आपका जो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 37,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है, और इसके अंदर आपको क्वार्टरली अमाउंट भी अच्छी मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों 2022 में ये जो मैं आपको 4 स्कीम बता रहा हूँ, ये कुछ एक ऐसी बेहतरीन स्कीम्स हैं जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2022 में आपने किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये स्कीम काफी ज्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम मैंने आपको बताई है और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं। यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीने के बाद भारत सरकार के द्वारा नए जारी किए जाते हैं। तो इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब है मार्च 2022, और तो 31 मार्च को जो इसके इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज किए जाएंगे। अगर तो इसके इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी चेंज हुआ तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, अदरवाइज आप इन सभी स्कीम्स के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स और भी बहुत सारी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करते टाइम साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी भारत सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम आती है या फिर पोस्ट ऑफिस के इन सभी सेविंग स्कीम्स में कोई भी बदलाव किया जाता है तो मैं उसकी अपडेट जरूर देता हूँ। इसके अलावा ये जो मैंने जितनी भी सेविंग स्कीम्स बताई हैं, इनका आप अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली होगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।